ऑर्गेनाइजेशन टूर, यानी आज मैं पूरा अपना रूम अच्छे से ऑर्गेनाइज करूंगी, सो मैं आपको वो दिखाऊंगी। एंड मैं बहुत समय से वीडियो इसलिए नहीं लेके आ रही थी क्योंकि मेरे हाफ फिल एग्जाम चल रहे थे, लेकिन अब से मैं वीडियो लगातार लाती रहूंगी। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी अपडेटिंग वीडियोज देखनी है, सो प्लीज़ मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर उसको लाइक करना। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी और वीडियोज चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो गाइज, एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज कितनी ख़राब सी लग रही है, बहुत ज़्यादा गंदी भी हो रही है, और इसमें मैंने बहुत सारा सामान भी रख रखा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सारा सामान एक के ऊपर एक लदा हुआ है, एकदम ख़राब सा लग रहा है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। सो मैं अभी इसे अच्छे से क्लीन करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ। एंड आप यहाँ पे आप मेरे ड्रॉअर देख सकते हैं तीनों। तो यहाँ पे मेरी कई सारी बुक्स मैंने एक के ऊपर एक रखी, अनंत और मैंने अपनी दोनों बुक्स को एक साथ रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी बुक्स का बिल्कुल बंडल सा बन रखा है। मैंने अपना ट्यूशन बैग भी वहीं रखा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे क्या अभी ऑर्गेनाइज़ करना है इस तरीके से। सो मैं आपको अंदर तक दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं। एंड मैं आप कुछ और यहाँ पे कुछ कपड़े भी हैं मेरे ट्यूशन के रखे हुए, तो इनको मुझे कुछ को तो वॉश करना है, कुछ को मुझे अच्छे से तय करना है। सो यहाँ पे आप सबसे पहले मैं अपनी सारी बुक्स निकाल रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ रूम्स क्लीन करने की, मैं क्या क्या करूँगी रूम में, क्या क्या क्लीन करना है मुझे। एंड यहाँ मैं आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन टिप्स बताने वाली हूँ कि आप जो अपने कमरे को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कर सकते हैं। सो फर्स्ट टिप तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले जो भी आप जिस चीज़ को भी आपको साफ़ करना है, उसको सबसे पहले आप जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर वो आप सब निकाल लीजिए। सो यहाँ पर मैंने सब निकाल लिया है। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अभी सारे नोटबुक्स को सेपरेट कर रही हूँ अलग अलग, कि कौन सी अनंत की है कौन सी मेरी है। एंड यहाँ पे मैं सबको दिखा रही हूँ कि कितनी सारी नोटबुक्स का बंडल है, इनको मैं अच्छे से सेपरेट करूँगी इस तरीके से। एंड यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे कैप लगा रखी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन में है। और आप भी बताना अपने कमेंट सेक्शन में कि आपके यहाँ कैसा टेम्परेचर है, कितना ठंडा है या किसी का। सो यहाँ मैं अब सारी नोटबुक्स को अच्छे से सेपरेट कर लूँगी। सो सेकंड टिप यही है कि आपको सबसे पहले अपनी सारी नोटबुक को क्या करना है, सेपरेट कर लेना है, कौन सी आपकी यूज़फुल है कौन सी नॉन यूज़फुल है। यानी कि क्योंकि मेरे हाफ फेल एग्ज़ाम हुए थे तो कुछ नोटबुक्स ऐसी हो जाती जो ख़त्म हो जाती हैं, सो उनको मुझे अब रखना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। और कुछ ऐसी नोटबुक्स हैं जो मुझे न्यू बाय करनी है, सो आपको भी ऐसी चेक कर लेना है। सो थर्ड टिप यही है कि आपको जो चीज़ें आपको यूज़ करनी है वो आपको अपने बैग में रख लेनी है, यानी जहाँ पे भी आप रखते हैं। एंड जो आपको चीज़ यूज़ नहीं करनी है वो आप कहीं और स्टोर कर सकते हैं जो आपके लिए बाद में कभी यूज़फुल हो। सो इस तरीके से मेरी कुछ कॉपीज़ जो थी वो मैं इसमें रख लूँगी। आफ्टर दैट जो मेरी जो बाकी जो नोटबुक्स है जो मेरे अभी लिए यूज़फुल नहीं है पर बाद में कभी काम आएंगे, उनको मैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ऑर्गेनाइज़र, उसमें मैं डाल दूँगी। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ कपड़े वपड़े रखे हुए, इनको भी मैं तय करके रखूँगी। सबसे पहले मैंने अपने बैग्स में सारा सामान रख लिया है, जितनी भी कॉपीज़ की बुक्स हैं अब इनको रख लूँगी। एंड आप इसके बगल में कुछ नोटबुक्स भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये मेरी वो नोटबुक्स है जिनको मैंने यूज़ कर लिया और मैं इनको यहाँ पर स्टोर करके रखती हूँ। कभी कभी मेरे को कभी कभी इनकी यूज़ पड़ जाती है। एंड यहाँ पर मैंने दो तीन नोटबुक और भी रख ली है। देख सकते हैं कि मैंने अब यहाँ पे जितने भी कपड़े थे वो सबको तय करके रख दिया है। आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं कि मेरा ये जितना भी जो ड्रॉअर है वो कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे कोई भी सामान अनऑर्गेनाइज नहीं है एंड ये सभी वेस्ट है, इसको मैं सबको फेंक दूंगी जो भी होगा, और जो रखने का सामान होगा उसे मैं रख लूँगी। एंड उसके बाद मैं अपनी टेबल को क्लीन करने लग गई हूँ। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसा सामान रखा था जो बिल्कुल यूज़ में नहीं आता है, पर यहाँ पे हम कभी कभी इस पे मेज पे रख देते हैं क्योंकि ये जो मेरी स्टडी टेबल है उस रूम में है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रहते हैं इसलिए।
सो मैं अब सबसे पहले इसे क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें सारा सामान हटा दिया है। सो मैंने अच्छे से इसको अच्छे से क्लीन करने लगी हूँ, गीले कपड़े से भी और सूखे कपड़े से भी। एंड आफ्टर दैट जो मेरे जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनमें मैं सामान रखने लगी हूँ। और अगर आपको मेरी फुल वीडियो चाहिए अपनी स्टडी टेबल पे तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो पहले ही बना दी कि मैंने अपने किस तरीके से स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज कर रखा है। सो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है या आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से ऑर्गेनाइजर्स का यहाँ पर यूज़ किया है अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कुछ मैंने नए ऑर्गेनाइजर बनाए हैं, सो अगर आपको देखना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपको इसकी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ मैंने नीचे भी पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। एंड जो ये बॉक्स है, अगर आपको इसकी बॉक्स के अंदर का भी देखना है तो इसकी भी वीडियो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये अब जितना भी वेस्ट सामान है इन सबको मैं जहाँ जहाँ की जगह है वहाँ पे रख दूँगी सब सामान को। सो गाइज यहाँ पे अब मैं करने वाली हूँ विंडो क्लीनिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अच्छे से विंडो क्लीनिंग कर रही हूँ। मेरी विंडो क्लीन अच्छे से निपट गई थी और यहाँ पर देखिए तो मेरी विंडो कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं आपको अपना स्टडी टेबल पूरा ओवर दिखा देती हूँ, उसका ओवर व्यू पूरे अच्छे से करा देती हूँ क्योंकि वो पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है मेरा स्टडी टेबल। सो यू कैन सी नाउ कि हाइट ऑर्गेनाइज किस तरीके से इतनी अच्छा लग रहा है, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका है ये। सो आप फुल व्यू अच्छे से देख सकते हैं, मैं नीचे का भी आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज मैंने आपको हर जगह का व्यू दिखा दिया कि मैंने जहाँ जहाँ क्लीनिंग अच्छे से कर ली है। एंड यहाँ पे कुछ कपड़े हैं तो ये कल के दिन करूँगी, यानी अगले दिन करूँगी संडे के दिन। सो मैंने कपड़ों कुछ कपड़े जो धोने वाले हैं उनको वॉश करूँगी, एंड जो कुछ कपड़े तय करने हैं उन कपड़ों को मैं अच्छे से तय करूँगी। एंड यहाँ पे कुछ कुछ कपड़े जो यहाँ पीछे दरवाजे के पीछे लगे हुए हैं उनको मैं अच्छे से कुछ को तय कर दूँगी। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट डे के दिन। तो नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे कपड़े धोने के लिए कपड़े को धो दिया है और उनको मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे कपड़े मैंने यहाँ पे भी दरवाजे पर लगे हुए थे सब कपड़े को निकाल के उन्हें मैं क्या कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे कपड़े चुके हैं और मैं आपको उसको दिखा देती हूँ। कोटी का जो हैंड मेड होता है यहाँ पर पूरा खाली हो चुका है, यानी कि मैंने सारे कपड़े अच्छे से तय कर दिए हैं और जो वॉश करने वाले थे वॉश कर दिए हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको कभी भी पन्नी वाला होल्डर नहीं मिलेगा पन्नी रखने के लिए तो आप ये होल्डर अच्छे से बना सकते हैं, क्या करें दरवाजे पर लगा सकते हैं। हमारे घर में बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, कभी कभी जब पन्नी ऐसी पड़ी रहती है एक होल्डर बना के यूज़ करने लग जाते हैं। सो मैं आपको फुल व्यू दिखा देती हूँ।